प्रैक्टिकल आप ही बनाई थी उधर, किसी और ने तो नहीं बनाई थी। अच्छा ये बताओ सबसे पहले कि आपके नाइन्थ क्लास क्लास के सिलेबस में, यू के मेलेस के सिलेबस में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? नाखून के बारे में जानते हो कुछ? नाखून के कौन कौन से भाग होते हैं हमारे? आपने डायग्राम बना रखा है। बताओ हमारा नाखून किस प्रोटीन से मिलकर बना है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? हमारे चेहरे की आकृति कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी? जो से बोलो बेटा, खा नहीं खाते जो से बोलो। अच्छा मैनिक्योर के बारे में, फोन आ गया, मैनिक्योर के बारे में पता है? मैनिक्योर कहाँ किया जाता है? मैनिक्योर करने से क्या फायदे होते हैं? सेकंड आ जाओ राधिका, जल्दी फास्ट फास्ट आओ। फादर नेम क्या आपका? विनोद। अच्छा आप ये बताओ कि सैलून क्या होते हैं, किनको बोलते हैं सैलून? ब्यूटी पार्लर को। ब्यूटी पार्लर में या सैलून में क्या क्या काम किए जाते हैं? वैक्स करने से क्या फायदे होते हैं? क्या सिर्फ हाथों के बाल लगते हैं? थ्रेडिंग के अंदर कितने नंबर का धागा प्रयोग होता है? अच्छा वैक्सिंग कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी? स्टिपलेस वैक्सिंग। ब्लीच कहाँ पे करते हैं? फेस पे करते हैं। क्यों करते हैं ब्लीच? लाइट हो जाती है। अच्छा ब्लीच के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो ब्लीच क्रीम होती है और दूसरी कौन सी, क्या बोलते हैं उसको? उसके अंदर पाउडर आता है ना मिलाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मेकअप करने से क्या बेनिफिट होते हैं? उतार क्या उसको, प्रैक्टिकल साथ लेके आए। क्या नाम बेटा आपका? राफी। राफी। फादर नेम? विजेंद्र। तेज तेज बोल के जवाब देना ठीक है, ताकि वीडियो में आपकी आवाज सुना दे। पेडिक्योर कहाँ पे किया जाता है? हमारे पैर मुलायम रह जाए, हमारे पैरों को मैं मेहंदी को कहाँ कहाँ पे लगाते हैं? शादी में, त्योहार पे, शरीर पे। शरीर पे मतलब कहाँ कहाँ पे यूज की जाती है? पैरों पे, हाथों पे, बालों में। बालों में क्यों यूज करते हैं मेहंदी? क्योंकि हमारे सिर में आराम मिलता है। और गांव में लेडीज लगाती है ना बालों में मेहंदी, तुम क्यों लगाती हो, किस लिए? क्योंकि हमारे बाल ब्लैक हो जाए। अच्छा पहले कैसे रखते थे? सफेद बाल होते हैं उनको कलर करने के लिए ठीक है।
मानसी आप ये बताओ कि जब आपने ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट लिया था तो क्या सोच के लिया था? ब्यूटी पार्लर। मतलब बाकी सब्जेक्ट में जैसे कि संस्कृत है, ड्राइंग है या होम साइंस है, उनमें और आप ब्यूटी एंड वेलनेस जो सब्जेक्ट है इसमें, मतलब उन इन चीजों में सबसे ज्यादा फायदा किस में होगा, क्या सोच के फायदा लगा? ब्यूटी एंड वेलनेस में इससे मैं हम कुछ सीखेंगे, कुछ सीखेंगे भी, और सीख के क्या कर सकते हो? अपना सैलून भी खोल सकते हैं, घर में भी किसी के कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, है ना, पैसे की बचत होगी ना इससे। अच्छा ये बताओ कि जो ब्यूटी सैलून का जो काम होता है वो क्या सिर्फ लड़कियां ही सीख सकती हैं? लड़के भी सीख सकते हैं। तो आप कोई एग्जांपल दे के बताओ कि भाई लड़के भी कहीं पे काम करते हैं सैलून का, लड़कों को कहीं देखा आपने काम करते ब्यूटी सैलून का? कहाँ पे? मतलब क्या ज्यादातर क्या काम करते देखा? मेहंदी लगाते देखा। और ये सैलून होते हैं ज्यादातर, और मार्केट में जब करवा चौथ का सीजन आता है तब जैसे मेहंदी वगैरह लगती है शादियों के सीजन में, तो मार्केट में देखा होगा ज्यादातर लड़के ही बैठे मिलेंगे आपको मेहंदी लगाने के लिए। तो वो क्या है, वो भी तो एक ब्यूटी थेरेपिस्ट का पार्ट होता है, ठीक है, तो कोई भी सीख सकता है इसको। थ्रेडिंग कहाँ पे बनाते हैं? आईब्रोज पे। और थ्रेडिंग का प्रयोग फेस पे कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? वो तो सिर्फ थ्रेडिंग बनाएंगे उसे, लेकिन जो धागा होता है उससे हम फेस के किन किन हिस्सों के बालों को रिमूव कर सकते हैं? साइड के और चिन के और फोरहेड के और अपर लिप के नहीं करते? अपर लिप्स कौन से होते हैं? ऊपर वाले लिप्स के, ये अपर लिप्स बोलते हैं ना, करवाते ना अपर लिप्स, फोरहेड, ठीक है, थ्रेडिंग तो बनाते ही बनाते हैं। बैठो नीचे बैठो। तन्नू आप ये बताओ कि अगर आप प्लस टू तक ब्यूटी एंड वेलनेस लगातार आप ये सब्जेक्ट में रहते हो और आपको अगर सारा काम आ जाए, ठीक है, तो आपको उससे क्या फायदा होगा? सैलून खोल सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। और मेहंदी लगाने आती है आपको? लगाइए किसी को, जैसे कोई भी सीजन आता है शादी वगैरह का, आस पड़ोस में लगवाता है कोई, ठीक है, फिर पैसे देते हैं वो कुछ? अंकल लगवाती है, और कोई नहीं लगाता पड़ोस में कोई भी, उनको पता नहीं होगा मेहंदी लगाते हो, पता है? तो बताओ आपके ना टैलेंट है, मेहंदी लगानी आती है, तो मार्केट के अंदर भी कहीं पे भी सैलून ब्यूटी पार्लर में भी जब जाते हैं कितने कितने पैसे लेते हैं, तो बताओ बेटा पैसे लिया करो, ये तो कमाई का साधन होता है, जिसमें जो आर्ट है, जिसमें जो कला है, उस चीज़ को पता लगना चाहिए ना सबको, पैसे कैसे पता लगेगा? पैसे लेने में जब काम करते हैं तो पैसा लेने में कोई शर्म थोड़ी ना, पैसा कमाने के लिए तो काम सीखते हैं ना। आप बताओ कि मेकअप जब करते हैं तो किन किन कॉस्मेटिक का यूज करते हैं? फेस पाउडर, लिपस्टिक। क्या फायदे होते हैं मेकअप कर लेते हैं तो? सुंदर दिखते हैं। और नेल्स को कट करने के लिए किसका यूज करते हैं? और नेल की शेप बनाने के लिए क्या बोलते हैं उसको? नेल चेपर। नेक्स्ट आ जाओ रितिका, रितिका आप बताओ आपको क्या क्या चीजें किन किन चीजों के बारे में पता लगा है ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट के बारे में?
सब्जेक्ट में एडमिशन लेने से पहले आपको इन चीजों के बारे में जो आपने पढ़ा है अच्छे से कि भाई मैंने क्यों ऐसे करते हैं, पढ़ने क्यों ऐसे करते हैं, ये पहले पता था आपको? नहीं पता था। अब पता लगा बहुत सारी चीजों का, कोई नॉलेज हुई है ये सब्जेक्ट लेने के बाद? अच्छा ये बताओ, जो ब्लीच हम करते हैं किसी के फेस पे, तो ब्लीच करने से क्या कोई नुकसान भी हो सकता है? क्या 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 नुकसान हो सकता है? ब्लीच पूछा बेटा मैंने, ब्लीच क्या होती है? चलो बैठो। अच्छा आप ये बताओ कि बालों के अंदर अगर हम ज्यादा प्रेसिंग करेंगे या ज्यादा हीट का यूज करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? हमारे बाल जैसे कि अपन जो हो सकते हैं, हमें इन बातों को ना काम करना चाहिए। इससे हमारे बाल ड्राई हो सकते हैं। क्या हमें रोज रोज बालों के अंदर प्रेसिंग करनी चाहिए? क्या होगा उससे? हम इससे बाल जलना शुरू हो जाएंगे और उससे सबसे कमजोर कमजोर क्यों हो जाएंगे प्रेसिंग करने से? रोज अगर किसी के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हो, ठीक है, रूखे सूखे हो, अगर बालों के अंदर डैंड्रफ हो जाता है ना, सर्दियों के अंदर डैंड्रफ भी हो जाए, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या उपाय अपनाएंगे? ऐसा क्या चीज कर सकते हैं कि डैंड्रफ खत्म हो जाए, कम हो जाए, बालों को नमी मिल जाए? क्या करेंगे? ऑयल लगाते हो बालों में? क्यों लगाते हो? ताकि हमारे बाल सूखे ना दिखाई दे, डैंड्रफ कम हो जाए। ऑयल तो लगाएंगे, ठीक है, ऑयल से क्या करेंगे, मसाज करेंगे ताकि ऑयल हमारा स्कैल्प के अंदर जाए, वो जहाँ से बाल हमारा उगता है वहां पे क्या करे, वो उसको नमी दे, ठीक है। अंदर से जब बाल को नमी मिलेगी तो जब बाहर आएगा तो कैसा आएगा, वो हेल्दी आएगा, बाल अच्छा बाल है, ठीक है। मैनीक्योर के बारे में सुना है? Yes, क्या होता है मैनीक्योर? मैनीक्योर हाथों पर की जाती है, मैन और वुमेन दोनों करवा सकते हैं। इसकी वजह से हाथ भी बच्चा तथा नाखून स्वस्थ सुंदर दिखाई देते हैं। कभी बाल देखे कभी किसी? Yes, कैसे होते हैं वो दिखने में? बहुत घुंघराले होते हैं मैम, वो बाल घुंघराले होते हैं। तो अगर जिसके बाल घुंघराले होंगे उसमें हम कोई भी हेयर स्टाइल आसानी से बना सकते हैं? नो मैम, नहीं बना सकते, काफी समय। शाबाश सोनम, ये बताओ कि आप का क्या सपना है बनने का, पढ़ाई करने के बाद आप क्या बनना चाहते हो? मैं ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। तो अगर आप पार्लर खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको लगता है कि भाई प्लस टू तक आप यहाँ पे सारी चीजें सीख जाओगे और अपना पार्लर खोल सकते हो? गांव में आस पास आपके कितने पार्लर देखे हैं? तीन चार। तो वहाँ पे आप अभी गए हो? उन्हें किसके साथ गए? अच्छा, मम्मी क्या करवा जाते हैं? आपने बात कभी सोची कि अगर मम्मी वहाँ पे करवाने जाती है, मम्मी उनको पैसे दे के आती है, अगर ये चीज़ मेरे को ही आती है तो ये पैसे वहाँ देने पड़ेगी, सोची कभी ये बात?
और वहां पे उन पार्लर में जब जाते हो तो उनको देख के आपको लगा है कि उनको ज्यादा नॉलेज होती है किसी चीज की, मतलब जितना हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर, ये इतनी सारी नॉलेज उनको होगी ऐसा लगता है? लगता है वो सारी चीजें सही करते हैं बिल्कुल। अच्छा तो ये बताओ अब थ्रेडिंग हम कैसी स्किन पे कर सकते हैं? हमने पहले पानी से धोना चाहिए। थ्रेडिंग हम कैसी स्किन पर कर सकते हैं? हमारी त्वचा कैसी होनी चाहिए थ्रेडिंग करने के लिए? कैसी स्किन पे नहीं कर सकते? क्या फायदे होते हैं थ्रेडिंग करने से? मेहंदी के अंदर ऐसी क्या चीज मिलाएंगे जिससे कि मेहंदी का कलर अच्छा आएगा? हाथों पर जब मेहंदी लगाते हैं, जब वो सूखती है तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? नींबू और तेल। नेक्स्ट आ जाओ नीतू। फादर नेम क्या आपका? राजवीर। आप ये बताओ मैनिक्योर करने से क्या क्या फायदे होते हैं? जोर से बोलो थोड़ा। पेडिक्योर कहाँ किया जाता है? पैरों पे, हाथों पे? पैरों पे। नेल्स के कौन कौन से भाग होते हैं हमारे नाखून के, उनके नाम बताओ। छह भाग। जो हमारा नेल का जो बाहर निकला हुआ भाग होता है इसको कौन सा भाग बोलते हैं? क्यूटिकल कहाँ होते हैं इसमें? कौन से बताओ आप? किसी का फादर नेम बताओ। रेनू। सुरेंद्र। अच्छा ये बताओ मैनिक्योर और पेडिक्योर कौन कौन लोग करवा सकते हैं? मैनिक्योर और पेडिक्योर हम किन किन लोग, मतलब किन किन पे कर सकते हैं? दोनों पे कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैनिक्योर लड़कियां या सिर्फ वुमेन पे की जाए, मेंस नहीं करवा सकते नहीं। क्या करते हैं मैनिक्योर में? नेल की शेप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अगर नाखूनों की शेप बनानी होगी तो किसका प्रयोग करेंगे? क्या बोलते हैं उसको? नेल शेप पर क्या बोलते हैं? नेल शेप पर। ब्लीच करने से क्या क्या फायदे होते हैं फेस पे? क्या
ब्लीच हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? पूरी बॉडी पे करते हैं, फेस पे? पूरी बॉडी पे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नीरू आप ये बताओ कि अगर आपका कोई सैलून हो, ठीक है, और कोई कस्टमर आ जाए आपके पास थ्रेडिंग बनवाने के लिए, तो आप क्या क्या चीजें पहले देखोगे, किन किन बातों का ध्यान रखोगे, फिर आप थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट करोगे? और उसके स्किन के ऊपर क्या चेक करेंगे, क्या क्या चीजें चेक करेंगे? आराम से घबराओ मत, मतलब यूं सोच आराम से, मतलब यूं माइंड लगा के थोड़ा सोचो कि अगर कोई थ्रेडिंग करवाने आता है तो हम क्या बिना सोचे समझे थोड़ी ना थ्रेडिंग करनी चाहिए। कुछ चीजें तो देखेंगे ना, उसकी शेप कैसी है, पहले उसने कैसी शेप बनवा रखी है, या वो पहली बार थ्रेडिंग बनवा रहा है, पहली बार बनवाता है तो उससे पूछेंगे हम कि कैसी शेप वो बनवाना चाहता है, उसकी स्किन पे कोई कट तो नहीं लगा, कोई पिंपल वगैरह तो नहीं है आसपास थ्रेडिंग के, देखेंगे ना सारी चीजें। थ्रेडिंग के अंदर कितने नंबर का धागा प्रयोग होता है? जो हमारे हेयर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? कौन कौन से? जो वेवी हेयर होते हैं उनकी शेप कैसे होती है? मैम अंग्रेजी ऐसे जैसे, ठीक है, ऐसे वेव का मतलब क्या होता है? हल्का सा घुमावदार, ठीक है। लगभग सबके जो हेयर होते हैं वो लगभग वेवी होते हैं नीचे से, जैसे इनके देखो हल्के नीचे से मुड़ जाते हैं, ठीक है, तो हल्का सा भी मुड़ा होगा तो कैसे हो गए? वेवी हेयर। मतलब वेवी हेयर के अंदर हम कोई भी स्टाइल बना सकते हैं। और कर्ली हेयर कैसे होते हैं? स्प्रिंग नुमा होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हेयर जिनके होते हैं उनमें क्या मुश्किल आती है? सबसे अच्छे हेयर कौन से माने जाते हैं? स्ट्रेट। संजना की प्रैक्टिकल का स्टाइल देखो, वीडियो बनाओ इसके पास जाके, ये इन्होंने बनाया है स्टाइल, देखो कितना अच्छा। इसको जब खोलेंगे हम, ये ऐसे है, ये देखो ऐसे है, और जिसको खोलते हैं तो ऐसे बना। सबको मतलब ऐसी चीज होनी चाहिए कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, बोलते हैं ना, सुना है कभी? इसका मतलब क्या होता है कि जो पहली बार में जिसके ऊपर आपकी छवि अच्छी बन जाए, ठीक है, अब ऐसे कोई देखेगा इसको तो एकदम से वो देखेगा, कोई नई चीज मिलेगी उसको, है ना। हमेशा ऐसी चीजें करने की कोशिश करो कि सामने वाले को ये लगे कि अरे इतना अच्छा बना रखा है, है ना। वेरी गुड, खुद ने बनाया है? यस मैम। फादर नेम क्या आपका? अब आप बताओ कि आपने क्या सोच के ब्यूटी एंड वेलनेस सब्जेक्ट लिया था? मैं ये सोचा था कि मैं ब्यूटी में अच्छे से पढ़ाई करूंगी और जो हमें सिखाया जाएगा वो मन लगा के मैं सीखूंगी ताकि मैं आगे अपना काम कर सकूं। जब आपने लिया था तो आपको अपने स्कूल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में पता था कि ये भी सब्जेक्ट है और इनमें से मुझे ये लेना है, और कौन कौन से सब्जेक्ट थे? आईटी, संस्कृत, ब्यूटी, बस तीन सब्जेक्ट थे। आईटी भी है आपके स्कूल में? यस मैम। तो आईटी में आपको क्या फायदा नहीं लगा जो आपको ब्यूटी एंड वेलनेस में लगा? सोच के जवाब तो सोच के लेते हैं ना, कोई सब्जेक्ट लेते हैं कि उसके अंदर क्या सोचा आपने कि नहीं मुझे आईटी नहीं लेना, मुझे तो ब्यूटी एंड वेलनेस लेना? मैम
बताओ बताओ, जो जो सोचा है, जो दिमाग में है वो बताओ, जैसा भी जवाब है वो बताओ। मैं जो रूटीन थी इसलिए मैंने, ठीक है। आपकी हर साल आपको बाहर ले जाया जाता है किसी सैलून के अंदर विजिट करवाने के लिए? यस मैम, ले जाया जाता है। तो इससे पहले, आज से पहले आपने कहाँ, आपकी मैडम कहाँ कहाँ पे आपने विजिट मैडम ने करवाई आपकी? पहले किसी भी सैलून में विजिट नहीं कराई? अच्छा, नाइन्थ में हो, ठीक है। ठीक है, आपकी विजिट होती है हर साल। अभी आपको कुछ दिनों के अंदर आपको एक सैलून के अंदर विजिट करवाई जाएगी, ठीक है, और वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि भाई सैलून के अंदर कैसे कैसे काम होते हैं। कल को अगर आप अपना सैलून खोलोगे तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कैसे सामान रखा जाता है, कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज़ होती है। अभी तक तो सिर्फ आप पढ़ रहे हो इसके अंदर, है ना। अभी ये चीज़ें जब आप कहीं पर देखोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती है माइंड के अंदर। जैसे मूवी देखते हैं ना, अगर आपको कोई किताब दे दे और उसके अंदर कोई स्टोरी पढ़ने को दे दे तो वो इतनी याद नहीं होगी। अगर आपको कोई कहानी स्टोरी टीवी पे दिखा दे और उसको पूरा आप 3 घंटे देखोगे तो वो आपको माइंड के अंदर कभी नहीं भूलोगे, कभी सुन लो वो याद रह जाएगी, होता है ना। yes, किसी भी चीज को देखने के बाद उसका ज्यादा असर पड़ता है दिमाग पे, वो हमेशा याद रहती है, ठीक है। अब आप ये बताओ कि मैनिक्योर और पेडिक्योर को क्या सिर्फ वुमेन करवा सकती है या मैन भी करवा सकते हैं? मैन भी करवा सकते हैं इसको। क्या बेनिफिट होते हैं इनके करने के? मैम, जो हमारे हाथों या पैरों में दर्द होता है ना, उससे राहत मिलती है, हमारा रक्त संचार ठीक हो जाता है, कई बार हमारे पैरों के तल में दर्द होने लगता है, उससे भी आराम मिलता है। तो जो पेन होता है उसमें आराम कैसे मिलता है, क्या करते हैं हम? मैम, हम उसकी मसाज करते हैं। मसाज, वैक्सिंग कैसी प्रक्रिया होती है बालों को रिमूव करने की? टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी प्रक्रिया क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि मैम, हम जब वैक्सीन करवाते हैं तो ये 1 सप्ताह के बाद वापस आ जाते हैं। फास्ट, जल्दी आओ। मम्मी, फादर ने बताया अपना नाम? दलबीर। आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है पूरा? ब्यूटी एंड वेलनेस। ब्यूटी एंड वेलनेस, इसका मतलब क्या होता है? ब्यूटी एंड वेलनेस का मतलब क्या होता है? ब्यूटी का मतलब बताओ और वेलनेस का मतलब बताओ। ब्यूटी का हिंदी में बताओ, ब्यूटी क्या होती है? ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब बताओ, सिर्फ ब्यूटी, सुंदरता। और वेलनेस का मतलब क्या होता है? तुम्हारी बुक है ना, उसके ऊपर लिखा भी होगा। यस मैम। सुंदरता और वेलनेस का मतलब होता है स्वास्थ्य, ठीक है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो, आप बीमार रहते हो, तो क्या आप सुंदर रह पाओगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो ब्यूटी एंड वेलनेस इसे भी रखा गया है कि सुंदरता के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। बाहर से सुंदर बनने के लिए हमें क्या करना होगा, अंदर से भी स्वस्थ रहना होगा, ठीक है। अब आप बताओ कि आपने अपने 9th क्लास के सब्जेक्ट में ब्यूटी एंड वेलनेस में क्या क्या चीजें पढ़ी है, किन किन चीजों के बारे में? आप ये बताएं कि आपके स्कूल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? आईटी, ब्यूटी, संस्कृत। संस्कृत, ठीक है। आईटी और ब्यूटी के बारे में आपको कैसे पता लगा कि स्कूल के अंदर ये सब्जेक्ट है? मैम, मेरी बहन ने बताया था। आपकी बहन ने बताया था? आपकी बहन कौन सी क्लास में थी? मैम, वो तब 9th क्लास में थी। तो उनके पास ब्यूटी एंड वेलनेस था? मैम, वो आईटी ले रही है। अभी वो कौन सी क्लास में? तो अपनी बहन, आपकी बहन ने तो आई टी ली, फिर आपने ब्यूटी एंड वेलनेस क्या सोच के लिया, इसमें इंटरेस्ट था? अच्छा, अब ये बताओ कि आप ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स करने के बाद आप क्या क्या चीज़ें कर पाओगे अपने घर पे, या एक सैलून खोलोगे तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हो? मेकअप, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीचिंग, फेशियल, मैं मेहंदी लगा सकते हैं। मेहंदी लगानी आती है आपको?
लगा ये किसी के ड्रेस में? जब सीजन आता है शादी का, करवा चौथ का, तो आस पास में लगाते हैं मेहंदी। अगर हम मेहंदी को बालों में लगाएं तो क्या क्या फायदे होंगे? मैम इससे आराम मिलती है, आराम मिलता सब में मैम और ठंडक मिलती है। और इसके अलावा? इसके अलावा बाल वाइट और मैम काले हो जाते हैं। काले मेहंदी लगाने से बाल क्या सोचा? ये बोल सकते हैं कि मेहंदी लगाने से बालों में कलर आ जाता है, ठीक है, सफ़ेद बाल हमारे छिप जाते हैं, है ना। अगर कोई क्लाइंट आपके सैलून में आता है, आपका सैलून है मान लो फॉर एग्जांपल, और कोई क्लाइंट आया तो आप उससे क्या क्या उसकी जानकारी हासिल करोगे? मैम उसमें वर्तमान समय लिया गया ट्रीटमेंट, और मैम खुले सर्दियों के बारे में, मैम क्लाइंट को एलर्जी है या नहीं है, मैम उसका फ़ोन नंबर पता है। तमन्ना आप ये बताओ कि एक तो होते हैं ब्यूटी सैलून, एक होते हैं हेयर सैलून, है ना, तो दोनों में फर्क क्या है? ब्यूटी सैलून में सभी प्रकार की क्लियर की जाती है, और हेयर सैलून से क्लियर की जाती है। जो हेयर सैलून होते हैं उनको क्या सिर्फ मतलब हेयर कट जो होता है उनको क्या एक जेंट्स कर सकता है या कोई फीमेल भी कर सकती है? फीमेल भी कर सकती है। और ब्यूटी एंड वेलनेस का जो कोर्स होता है वो सिर्फ क्या एक फीमेल भी कर सकती है या मेल भी कर सकता है? दोनों कर सकते हैं। ऐसे सैलून देखे आपने जहाँ पे मेल भी काम करते हो? कहाँ पे देखे? गाँव में भी देखे। अब आप ये बताओ कि अगर आपका सैलून है और आप कोई सर्विस देते हो, जैसे आपने वैक्सीन दी, वैक्सीन के बाद स्ट्रिप होती है, ठीक है, उनको आप खुले में फेंक दोगे या फिर आप करने के बाद तुरंत डस्टबिन में डालोगे? अगर आप खुले में उनको रख दोगे और कुछ देर उनको खुले में रखा रहने दोगे तो क्या इससे नुकसान हो सकता है? इसलिए कहा जाता है कि ड्यूटी के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है हमें, ठीक है। ड्यूटी सैलून एक ऐसा जगह होती है ऐसी कि जहाँ पे बिल्कुल गंदगी नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज, चाहे हमारी चेयर है, चाहे हमारी टेबल है, चाहे कोई टावल है, चाहे कोई ट्रॉली है, हर एक चीज़ बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम खुद भी स्वस्थ रह पाएंगे और कोई क्लाइंट आएगा उसको भी स्वस्थ रख पाएंगे। थोड़ा सा ना जैसे ये बोले थोड़ा सा इधर से आके भी ले लिया करो, उधर से भी आके ऐसे सभी एंगल से लिया करो, कहीं कहीं बच्चे। क्या नाम है बेटा आपका? राधिका। फादर ने? राजेश। अच्छा आप ये बताओ कि मेकअप के अंदर किन किन प्रोडक्ट का आप यूज कर सकते हो? मेकअप करने से क्या इंसान मतलब उसके अंदर क्या क्या फायदे नजर आएंगे? अच्छा ठीक, आत्मविश्वास बढ़ता है मेकअप करने से, वो कैसे बढ़ेगा? है ना, अगर कोई इंसान सुंदर दिखता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है, ठीक है। तो हमें अपने आप सुंदर दिखने से क्या मतलब होता है? सुंदर दिखने का मतलब ये तो नहीं होता कि हम मतलब मेकअप भी करें। सुंदर का मतलब क्या होता है? साफ सुथरे रहें, हमारे हेयर हैं वो क्लीन रहें, ठीक है, हमारी जो स्किन है उसको हम क्लीन रखें, हमारे हाथ हैं, हमारे नाखून हैं उनको हम क्लीन रखें, जो हम यूनिफॉर्म पहनते हैं वो हमारी क्लीन हो, जो ड्रेस हम पहनते हैं वो साफ सुथरी हो, है ना। मेकअप का मतलब अगर हम किसी की मान लो शादी होती है, ब्राइडल जो होती है, मेकअप वो होता है, उनके ऊपर मेकअप करते हैं उसको मेकअप बोलते हैं। अब हम स्कूल में आते हैं, आप स्टूडेंट हो, हम टीचर हैं, तो हम क्या मेकअप करके थोड़ी ना आते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको ग्रूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रूमिंग। ग्रूमिंग किसको बोलते हैं? सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखाना, ठीक है, वो मेकअप करना नहीं होता। अच्छा दिखाना मतलब हम साफ सुथरे अच्छे से आए, वो होता है ग्रूमिंग। और अगर बोलेंगे मेकअप, तो मेकअप हम किसी फंक्शन के दौरान करते हैं, किसी पार्टी के दौरान करते हैं, या किसी को जब दुल्हन तैयार किया जाता है, ब्राइडल तैयार की जाती है, तो हम मेकअप करते हैं, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। अब हम डेली आते हैं तो क्या हम फाउंडेशन लगाते हैं? नहीं, क्या हम
मस्कारा लगाते हैं, ठीक है, क्या हम कंसीलर लगाते हैं, फेस पाउडर लगाते हैं, नहीं लगाते ना, वो कब लगाते हैं, किसी खास फंक्शन में जब हम मेकअप करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब आप ये बताओ किसी सैलून के अंदर क्या क्या सर्विस दी जाती है। तो आपको लगता है आप ये कोर्स करने के बाद ये सारी चीजें कर पाओगे, आपको फायदा होगा ये कोर्स करने के बाद। अच्छा लक्ष्मी ये बताओ कि नाइन्थ क्लास में जब आपने कोर्स स्टार्ट किया था तब आपको ये लगा था कि भाई ये तो मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं लगा? अभी जितना भी आपने पढ़ा अपने उसमें, ये आपके लिए फायदेमंद रहा है कुछ? Yes. कैसे फायदेमंद रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया इसने कि हम कोई भी किसी एक भी चीज में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कोर्स करने के बाद आपने ब्यूटी पार्लर ही खोलना है, जरूरी तो नहीं है। अगर आपको मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाने आती है तो आप क्या बन सकते हैं, मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप सिर्फ मेहंदी का ही काम करो, है ना, जब भी कोई शादियां आए, फंक्शन आए, कोई त्योहार आए, सब लोग मेहंदी लगवाते हैं आजकल, तो आप मेहंदी में इतनी परफेक्ट हो जाओगे कि दिन, अगर एक दिन के अंदर आपने, ठीक है, अगर एक दिन के अंदर 20 लोगों को भी मेहंदी लगा दी और एक इंसान ने अगर आपको 100 रुपए भी दे दिए, घर बैठे बैठे आ गए ना, हमारा तो कुछ खर्च नहीं हुआ, हमारी तो सिर्फ मेहनत ही लगी, ठीक है, वो हमारा हुनर जो हमारे अंदर है वो किसी कोई हमसे छीन तो नहीं सकता, वो तो हमारे अंदर है, कभी हम जब तक मरेंगे तब तक वो हुनर हमारे अंदर ही रहेगा, कितना भी कमा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को मेकअप, सिर्फ मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और उसी के अंदर वो परफेक्ट हो जाए तो क्या बन सकता है, मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है, ठीक है। अगर कोई सैलून के अंदर ना आना चाहे, कोई कहे कि मुझे तो घर से रेडी होना है, तो हम उसके घर जाके भी रेडी कर सकते हैं, ठीक है, हमारा तो थोड़ा सा सामान लगेगा लेकिन मेकअप में परफेक्ट है तो लोग हमें मेकअप के लिए बुलाएंगे सिर्फ, ठीक है, उनके ऊपर हमें सब काम करने की जरूरत नहीं है। तो जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट आप वो ही बन सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। अब आप बताओ कि अगर हम मैनिक्योर करें किसी के ऊपर तो हमें किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ेगी? अच्छा, अगर आप किसी की नेल की शेप बनाना चाहते हैं तो किस औजार से बनाएंगे? नेल शेप पर, ठीक है, ठीक है। अगर नेल को कट करना हो तो किसका यूज करेंगे? नेल कटर का यूज करेंगे। अच्छा ठीक है, आप ये बताओ कि नेल की शेप भी होती है क्या? Yes, कौन कौन सी शेप हो सकती है? ओवल शेप, स्क्वायर शेप, राउंड शेप, वो माउंटेन शेप। सबसे अच्छी शेप कौन सी मानी जाती है? ओवल शेप। अच्छा, नेल शेप, नेल की शेप बनाने का फायदा क्या होता है? अगर नेल्स को और ज्यादा सुंदर हमें बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? वेरी शाबाश,